देन हेलो इज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी कुछ 4:10 हो रहे हैं, अभी निकलेंगे जिम के लिए। और ये अपना तीसरा आउटफिट जो उस दिन लेके आए थे, उसमें से दो दूध है और ये तीसरा वाला, ये ठीक ठाक है। बाकी ये अभी निकल रहे जिम के लिए। कल लोअर को टू चेस्ट लगाया था, काफ़ी अच्छा गया। और साथ में लगाया ट्राई, सब दोनों अच्छे ही गए। और आजकल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहने लग गया, पता नहीं वर्कआउट कैसे क्या लगा रहे, कभी कुछ कभी कुछ लगा रहे। तो बाकी हाँ, वर्कआउट काफ़ी अच्छे लग रहे, इधर उधर लगा रहे इसीलिए। बाकी मेरे साथ शायद लेग लगाए हुए काफ़ी टाइम, मतलब हम लेग को काफ़ी बार मिस कर रहे हैं, बार बैक चेस्ट ही चल रहा है। जब से मैं अपनी मर्जी से लगाने लगा तब से लेग लगाने का मूड नहीं होता, या फिर जिस दिन लगाना होता उस दिन याद नहीं आता, या फिर जैसे आज मन करिए आज लेग लगाते तो सोचते हैं 2 दिनों पहले लेग लगाया था, कुछ ऐसे करके लेग लगाकर अपने को टाइम हो जाता है। 4 या 5 दिनों बाद हम वापस लेग लगाते हैं। तो बाकी अभी वापस लेग को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेग एक्सरसाइज को। तो काफ भी लगाएगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, फोरआर्म भी लगाएगा। बाकी शोल्डर ग्रोथ दिखाई दे रही है जब से शोल्डर लगाने का मूड होने लगा है। बाकी मम्मी कही गाय का दूध निकालने के लिए, रोजाना हम 2 से 3 जने कम से कम जाते जाते हैं। अभी गाय चल रही है बीमार तो उसका इतना दूध होता नहीं है, थोड़ा ही होगा और वो भी पीने के लायक नहीं होता, वो फट जाता है दूध। डॉक्टर को बताया हुआ है, डॉक्टर आता है, आज नहीं आया, बाकी पिछले 2 दिन रोज शुरू आ रहा है। 5 कम से कम 5 भी देखे जाते हैं उसको, सुई से सबसे ज़्यादा डर लगता है। और कुछ दवाई है जो उसको ज़बरदस्ती पिलानी पड़ती है सुबह शाम। बाकी उसको खाने को मेन कोर्स खा ही रही है, उसको जो उसके लिए स्वीट है खाने का वो खाने के लिए उसको मना कर रखा है, तो वो बहुत कम दे रहे हैं। देना तो हो गई, बाकी उसमें ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन अभी था तो अभी गाय का सही से मामला चल रहा है, मतलब ठीक है। कुछ वो अपने तरफ से उसकी हरी सब्जियाँ खा रही, हरा चारा है वही खा रही है, बाकी वो भी बहुत कम, तो उसका ठीक ठाक चल रहा है, पानी वानी पी रही है। और क्यों गाय पे इतना ज़्यादा जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक है, उसकी टेंशन लेने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, तो अकेला काफ़ी नहीं हो तो मैं उसकी थोड़ी ज़्यादा टेंशन रहती है। बाकी अभी इतना कुछ खास नहीं, अभी निकल रही जिम सुबह, आज रनिंग के लिए नहीं जा पाया, कल तो इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इस दांत की अपॉइंटमेंट थी। और आज जब सुबह उठा ही नहीं, कल जल्दी सो गया था, कुछ 9-10 बजे के आसपास सो गया, लेकिन सुबह एक बार नींद खुली 5 बजे बाद में, सोचा चलो 6:30 जाएंगे, ये करके वापस सो गया। 8 बजे नींद खुली, बहुत ज़्यादा घटिया लगा, एक दिन फालतू मिस कर दिया। एक दिन मिस करने के बाद मेरा मिस हो ही जाता है 2-3 बार पक्का होगा बाकी, तो देखते हैं कल 10 बार अलार्म लगा के सोएंगे और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर उठ के भाग जाएंगे यहाँ से रनिंग के लिए। और वैसे मैंने बताया हुआ 2-3 दिनों पहले, मैंने बीच में एक बार रनिंग की 3 दिनों पहले, तो कल ये तो रनिंग करेंगे, अभी जा रहे हैं जिम में, तो वहाँ पे ट्रेडमिल पर भी रनिंग होगी। और वेट लॉस शायद मैं जब लास्ट पर बताया था मेरा 83 था उस टाइम, 83-82 कुछ था, अभी इतने दिनों में 1 किलो और वजन कम हुआ है। हमने डाइट में हल्की सी कुछ 100-200 कैलोरीज मुश्किल से कम की होगी, और कुछ कम इस दांत की वजह से खा रहे हैं, मैंने बताया हुआ इसके ऊपर जा रहा था, कैल्शियम भरा हुआ है तो मुंह पूरा बंद नहीं हो रहा। बाद में ब्रश से करने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी अब तो हो गया, तो हल्का सा टच होता है वो, तो ज़्यादा उसको नहीं घसते हैं, थोड़ा मुश्किल से खाया जा रहा, लेकिन नरम चीज़ें खाएंगे अभी कुछ तो हो जाएगा उससे काम। बाकी आज चने की सब्जी बनी, थोड़ी मुश्किल से खाई गई, मतलब सॉफ्ट थे नहीं थे चने की सब्जी बहुत, लेकिन फिर थोड़ी मुश्किल से खाई गई। तो शाम को एक देखते हैं, या तो खिचड़ी बनेगी या फिर मूँग चावल की खिचड़ी, देखते हैं जो भी होगा। बाकी अभी कुछ 4-15 के आसपास हो रहे हैं, तो अभी निकल रहे जिम के लिए, पापा बाइक लेके जा चुके हैं। और हाँ, मैंने एक बार जो तुमने बोला था कि मैं यहाँ से 3 किलोमीटर के एरिया में पैदल जाऊँगा, मतलब वो बाइक का अवॉर्ड करने के लिए, फैट लॉस के लिए काम आएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा, कुछ ऐसे सोच ही किया था, लेकिन
उसके बाद में एक दिन मैंने ये चीज़ भूल गया, चला गया था, तो उस दिन मैंने सोच लिया था अब 3 से 4 किलोमीटर खड़े, यहाँ से 5 किलोमीटर, 4 साढ़े 4 किलोमीटर जिम तो नहीं जाएंगे, लेकिन उतने एरिया में जब भी अपने को याद रह सकेगा और इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो बाइक नहीं ले जाएगी, हो भी नहीं रहा है। एक बार ही गया था अभी तक मैं ये सोच के, तो कुछ खास काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, मैं जिम जाता हूँ या तो ऐसे कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए यहीं पर साइड में, और अगर वो भी जाना होता है तो सुबह जाता हूँ रनिंग के लिए, वापस आते हो लेके आ जाता हूँ, तो कहीं पे जा ही नहीं रहता है आस पास साइड में 4 किलोमीटर के एरिया में। जाएंगे तो ध्यान रखेंगे, बाकी अभी स्लो पॉइंट करते हैं। जैसे ब्रदर, थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं ब्लॉग में, और इतना कुछ खास नहीं मिलता है ब्लॉग में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.